अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटलेट। ये मेरी मम्मा की रेसिपीज है, तो इसके लिए मुझे चाहिए छोटी प्याज, लहसुन के 3 चौथाई के बारीक कटे हुए, 6 हरी मिर्चें, 1 चम्मच काली मिर्चें और 1 पाव चिकन बॉईल हुई भी और 3 आलू मैश किए हुए बॉईल करके। 3-4 चम्मच हमने ऑयल लिया, उसके अंदर हमने प्याज डाली। प्याज को हमने फ्राई किया, बस हल्का सा उसका जब कलर चेंज हुआ, कोई गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज करना है उसका। जब वाइट से थोड़ी सी चेंज चाहिए, उसके अंदर हमने लहसुन डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी। उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर जो हमारी चिकन थी वो डाल के भून ली अच्छे से। चिकन भूनने के बाद चिकन को भून लेंगे अच्छे से ताकि उसके अंदर हरी मिर्चों का टेस्ट आ जाए। फिर उसके अंदर हमने आलू डाल दिए जो हमने मैश करके रखे हुए थे, बॉईल कर लिए थे पहले से ही मैंने, 3 दाने थे बड़े। उसको बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको इस तरह से बनाना है कि अच्छे से चिकन इसके अंदर मिक्स हो जाए। चिकन को बहुत मिक्स करना है इसके अंदर ताकि अलग अलग कोई चीज़ ना रहे। उसको घुमाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। फिर लास्ट में हमने काली मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। काली मिर्चें डाल दी आपने, उसको काली मिर्चें डाल के भी फिर इसी तरह से चम्मच की मदद से दबा दबा के उसको भूनना है। जब हम भूनेंगे इसको, भूनने के बाद अब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स पिसा हुआ, मतलब मैंने आधी आधी प्याली दोनों ले लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने इसकी तरफ आते हैं। मैंने हमने ये सारे मिक्सचर को ठंडा कर लिया है, उसके बाद इसकी शेप देने स्टार्ट करेंगे कटलेट की। इसको ना शेप देने के बाद मैंने अंडा यूज़, क्योंकि मुझे अंडा बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे उसकी स्मेल आती है, तो मैंने इसकी जगह कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। पानी में खोल के कॉर्नफ्लोर में इसको मैंने डिप किया, उसके बाद मैंने इसको प्लेट में रखा और इसने प्लेट को हिलाया, वो खुद ही से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लग गए। इस तरह से करते जाएंगे जल्दी जल्दी, आपके बहुत ईजीली काम हो जाएगा, आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे। इस तरह से मैंने सबको लगा के ब्रेड क्रम्स लगा दिए अच्छे से। देखें, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी, अच्छी बहुत क्यूट इसका देखने में लग रहा है। अब इसके बाद हमने ऑयल गरम हो रहा था हमारा साइड पे, अब इसको हम ऑयल में आप डीप फ्राई करें जिस तरह से करें। इसको हमने फ्राई कर लिया और यमी कटलेट आपकी तैयार है। और भी आपकी कटलेट तैयार है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में जाके कि आपको कैसे लगे, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।